नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जिसका नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप भी 2023 में एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो यहाँ पर भर्ती निकाली गई है वो अलग अलग पदों के लिए भर्ती है, जैसे कि ग्रुप डी से लेकर ग्रुप बी सी ए सभी पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लर्क, सहायक, एमटीएस सभी की भर्ती निकाली गई है, और भी काफ़ी सारी बम्पर भर्ती निकाली गई है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप 10वीं पास है, 12वीं पास है या ग्रेजुएट है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है, आप ये अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन कीजिए, पर आवेदन करने से पहले वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन भर्तियों के बारे में, जो कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। पच्चीस हजार, 37,000, 65,000, कक्षा 10वीं से 12वीं और ग्रेजुएट तक की है। और सबसे अच्छी बात है, ये भर्ती ऑल इंडिया के लिए है। जी बिल्कुल, पूरे भारत से इसको आवेदन भर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। चलिए चलते हैं वेबसाइट पे। जो हमारी नंबर वन वेबसाइट है वो है सरकारी टूडे न्यूज कॉम। इस वेबसाइट पर जाए और आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अब 12 अप्रैल तक इसको भर सकते हैं। और आवेदन 24 मार्च से शुरू हो चुके थे। देख सकते हैं, आपका यहाँ पर एग्ज़ाम भी होगा जो जून जुलाई के अंडर होगा, और आप पेमेंट 22 अप्रैल तक कर सकते हैं। यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कीजिए भर्ती के लिए। चलिए आपको वेबसाइट पर लेके चलते हैं। ये जो भर्ती निकाली गई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू है, 2023 की नई भर्ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी पोस्ट जारी की गई है। देख सकते हैं जूनियर, साइंस प्रेट, चौकीदार, बहुत सारी भर्तियाँ, हेल्पर, चौकीदार, स्टोर क्लासेस, बहुत ज़्यादा भर्तियाँ यहाँ पर निकाली गई है। यहाँ पर ड्राइवर की भी है, फोरमैन की भी है, स्वीपर की भी है, बहुत ही ज़्यादा भर्ती निकाली गई है। कुल मिलाकर 1,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। उसके लिए 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट और ऑल इंडिया के लिए ये है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो रिटर्न एग्जाम होगा, पेपर दो होंगे। सैलरी आपको इसके अलग अलग पदों के हिसाब से मिलेगी। एज आप देख सकते हैं 18 से 40 तक के बीच के भर सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ीस है जर्नल के लिए 100 रुपये, असिस्ट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। पेमेंट मेथड क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस 2, 12वीं, 10th, 10वीं और ग्रेजुएट। स्टार्टिंग डेट 14 मार्च और लास्ट 12 अप्रैल। तो दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।